मोस्ट वेलकम असि करने आके अपने प्यो की दुकान वेख सकते हैं। अगर वह कहते इस गल से सानू कहार कर सू मिले अभी तोहफे तौर पर ना उन्होंने दुकान देने वास्ते तैयार हाँ। असं मुसलमान होने नाते पाकिस्तानी होने नाते असं उन्होंने तोहफा देंगे उन्होंने याद जी वाल साहब की याद जी ताजा कर देंगे नाबियों ने। यह साढ़े वालों कुर्बान कर देंगे बाबा नाना पड़नाना उन्होंने निशानी है। बड़ी वड्डी गल हुंदी है कि एक जिहड़ा शख्स उत्थे रह रहा है उन्हूं पता है कि जनाब हालांकि उन्हें मुल लई है दुकान ते कब्जा नहीं किया इन्होंने मुल लई है किसी को कह रहे जी अगर जनाब फ्री दे देंगे बिशक रख लेना अपने पड़नाना की निशानी। बड़ी ठीक ठाक आदमी है ईमानदार आदमी मुसलमान हिंदुआं बड़ा प्यार हिंदू सिख मुसलमान जो अपने बच्चों को घरों तकीद करके घर देने दौलत राव की दुकान से जा उस वक्त फुलड़िया देना जो झूंगा देने झोली भर भर के साथ बुजुर्ग दस देने असि झोली भर भर के झूंगा खड़ दे रहे हैं मुफ्त मिलता जी जो हम इस वक्त महंगाई हालात जो हम देने तो कासर हर बंदा झूंगा 1937 वाह जी वाह वाकया लिखा जी 1937 हां जी एक हिंदू खतरी से ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਅੱਛਾ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਹੁਣ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆਂਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਖਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਓਰੀਜਨਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਡਬਲ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ ਬਰਾਮਦਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਵੀ ਓਰੀਜਨਲ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਟਰੀ ਐਸੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਚੁਗਾਠਾਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਖਿਰਕੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਇਹ ਚੁਗਾਠ ਹੈ बुजुर्ग दस देने के पाकिस्तान हिंदुस्तान बन चुका पार्टीशन तो पहला कुरियाने की दुकान सी एक हिंदू खतरी सी ओहदी दुकान है ओहदा नाम सी दौलत राव अज भी सत्तर साल गुजरन तो बाद भी सत्तर पचहत्तर साल गुजरन तो बाद भी अज भी दुकान करियाने की मौजूद है। यह कोरे क्या तकरीबन इलाके सब तो पुरानी दुकान ये अच्छा नाम की है मेरा नाम मोहम्मद खालिद पुरानी दुकान होने नाते ना सानू मशवरा दिता लोगों ने तब्दील करो लेकिन असा ना पुरानी दुकान ही रखी है लोग इस दुकान नू जान देने पहचान देने इलाके च इस दुकान का नाम है ठीक है हां जी बिलकुल सही ते उंज लोग जो ढाई जांदे नवी बनाई जांदे तो हल्ली ओ रखी है ए आहा जनाब ए यादा रखियां ने वाह इथे साडे बुजुर्ग दस देने इथे कई अल्लाह दे नेक बंदे भी आंदे रहे ने हां इथे दुख सौदा सलाह लैण वास्ते ते प्रसाद दा समान सारा रखिया ते हकीम लोग सूफी लोग दरवेश लोग जड़े ना ओ प्राणियां हकीम वाली छावां जड़ियां ने प्रसाद दी छावां ना ओ लैण इथों आंदे ने ते साडे इलाके दे मशहूर कंदे बुजुर्ग परपोते शरपोते जो भी वीडियो अगर दुकान इथे आना चाहते देखना चाहते साडे बुजुर्ग दस ने जनाब ओहदिया दौलत राव दे दो बेटियां सन बेटे को ने सन अगर ओ कहंदा जिंदा ने ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾਥ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਸੀਂ ਤੋਹਫੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾਬਿਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ
अजकल बच्चे शरारती होंगे ने डका किया रैंक जगे थोड़ा पुरानी पखे ओ पुराना डिजाइन पुराना हाल हवाल डिजाइन वेखो तुम वेखो पुराना ही सारा ही बेहद पे पुराना डिजाइन सारा ही तू सा रखना दौलतराव इतना गला रखा हों दरमियाने जवान ने छे कहना ठीक ठाक आदमी इमानदार आदमी मुसलमान हिंदुआ बड़ा प्यार हिंदू सिख मुसलमान जो अपने बच्चों घरों तकीत करके घर के दौलत राव की दुकान से जा उस वक्त फुलड़िया देगा जो झूंगा देने झोली भर भर के साथ बुजुर्ग दस देने असि झोली भर भर के झूंगा घर दे रहे हैं मुफ्त मिलता जी जो हम इस वक्त महंगाई हालात जो देने तो कासर हर बंदा झूंगा झूंगा शायद जी मुक गई जनाब लेकिन बुजुर्ग साहब दस देने की इतने आना उन्हें झूंगा सर उन्हें झोलियां भर भर के देना करना फुलड़िया देने करने महाने देने करने छुहारे देने करने उन्हें पुत्र ले जाओ घर जाए खाओ जे ऐसा दे कहता दौलत राव खाया जो इंसान सड़ा खुदा इतने दस देने उन्होंने गला रखा हों बिलकुल सही ए वेखो ना छत भी है ये भी छत ओ पुराना अगली चगाट तुम वेख सकते हो जनाब आली आ चगाट वेखो तब्दील नहीं की अजे तक कुंडे शुंडे हां कुंडे लगे कुंडा लगा दरवाजा जरा इन नहीं लगा दरवाजा बहर लगा दरवाजा तब्दील किया हालात की वजह अच्छा इस तरह ना एन जी चगाट ही ए चगाट मौजूद कोठरी की कोठरी की शायद एक दौलतराव साहब ने एक तक दरवाजा लाया लेकिन असा दरवाजा जहां नहीं देखा साढ़े बुजुर्ग भी नहीं पिछले कमरे में दरवाजा नहीं दरवाजा मेन रोड मेन ते पहले नहीं छत वेखो उ रोशनदान जनाब अजे तक मौजूद ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਸੌਦੇ ਦੀ ਹਵਸ ਵੀ ਸੌਦੇ ਦੀ ਹਵਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੌਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਛੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਹੈ ਵੇ ਦੌਲਤ ਰਾਵ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜੇ ਅਗਰ ਦਿੰਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਦੀਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ तकरीबन 100 साल तो भी ज्यादा दी है क्या बात है एक तरह 100 साल तो भी साडे बुजुर्ग दा देने 100 साल तो भी पुरानी दुकान है ये वाह जी वाह नहीं जी बड़ा मजा आया दोस्तों ए देखो ए ओरिजिनल हालत जी दुकान है और मैं इथे जदों आया मन ते मेनू ए ही लग रहा है कि आज भी जड़ा ना क्योंकि ओ किराने दी दुकान जिस तरह खालसा साहब ने दसया ते लग रहा कि जिस तरह ओही 1947 दी पहली दी दुकान दे जिवें फिरना पे क्योंकि ए माहौल उस तरह दे लगदा पे कि उन्होंने हर चीज जड़ी है ना उस तरह रखी है अमना मान ओरिजिनल और बड़े वड्डे दिल दे मालक ने कारोबार अपना कर रहे ने बच्चे पाल रहे ने फिर इतों रोजी रोटी कमा रहे लेकिन उन्हें आख्या जी तुसी इत्थे आओ
पिंड भी बहाल लांगे सारा तुहाडे जिहड़े नाने दा सी या पड़नाने दा सी या जो कुछ हैगा इह पिंड हैगा कोरेगी तहसील टस्का चेतर च दो मेले लगते हैं एक असू का मेला एक चेतर का मेला दुर्गदास जी उस वक्त पार्टीशन तो पहला पंजाब दे विच तीन मेले हैं एक अमृतसर का एक कोरेकी बाबा गुल्लू शाह का एक फैसलाबाद कई लोग आने उरा जिला सियालकोट के कोल एक पिंड है उथे भी मेला लगता है चार मंडिया मशहूर अमृतसर बाबा गुल्लू शाह पहला लगता है बाबा गुल्लू शाह फिर विसाखी लगती सी है विसाखी मेला उथे लगता है फिर अमृतसर लगता है फैसलाबाद लगती उरे मंडी लगती सी ए मंडिया पूरे पंजाब मशहूर सन कोरेकी बाबा गुल्लू शाह तो ना ये मशहूर है कोरेकी बाबा गुल्लू शाह तहसील डस्का जिला सियालकोट इन तहसील पसरूर भी नजदीक लगती जनाब यारी अज से तकरीबन पसरूर भी जरा बहुत नेड़े वे इन बाकी आले दुआले पिंड ऐसा भी सैड ते रत्ता बाजू आवे एक पिंड ठीक उस तो अगे सतरा बाजू आवे सतरा संधुआ दा सतरा संधुआ दा रत्ता बाजू आवे ते सुहावा बाजू आवे एक पिंड वे एक कुल पिंड बन बाजवा एक पिंड बावे दी कोलली एक मशहूर पिंड है रोड रोड समाधियां भी मौजूद है एक कसोला पिंड भी एक मशहूर पिंड थे गरकोया दा बिलकुल सही दूसरा एक साडे तो वड्डा मशहूर इलाके दा पिंड जिहड़ा सिखा दे दौर दा है बुढ़ा कराया बड़ा वड्डा जैलदारां दा पिंड झुलकी पिंड भी सिखां दा पिंड ओ सानू कहिंदा पिछां जे इक वीडियो वेखी एक सिख सरदार साहब दी असां इक वीडियो शेयर कीती सी उहनां आखिया मैं झुलकी दा मैं दो बंदियां जानना सेठ नूर मोहम्मद नूं है तो मामा नजीर जला मेरे कलास फैलो ने असि सिख साहब सरदार साहब दावत देने अगर पाकिस्तान आना चाहते अपना पिंड झुलकी वेखना चाहते मोस्ट वेलकम असि इस्तकबाल करने वास्ते बिलकुल तैयार है साडे इलाके दे मशहूर जेडे पिंड ने ना बड़ी मजा आया गल करके दुकान भी बहाली है दोस्तो कमेंट करके दसना वीडियो तुहानू कैसा दी लगी है पिंड कोरेकी तो जनाब दौलत राम की दुकान खतरी दी और इत्थे जिहड़ा ना असली हालत अज भी मौजूद हैगी है और इजाजत दियो रब रखा।